पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। 59 वर्षीय कांग्रेस नेता 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा काट के बाहर आए हैं। इस मौके पर जेल के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, पंजाब को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, अभी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही। सुनना नहीं चाहते, शायद इसीलिए सवेरे पूरे पौने 12 बजे का टाइम दे दिया मुझे। उन्होंने लोगों को, मीडिया वालों को एक ऐसी परीक्षा दी, ये जब तक ये जाएंगे नहीं सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने। और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है, ढोल बजिए ना आवाज यार, किस तरह से ढोल बंद करा दो यार। आज लोकतंत्र पेड़ियों में है, पेड़ियों में आज लोकतंत्र की चीज नहीं रही कोई। पंजाब ढाल है इस देश की ढाल, उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है वहाँ लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूँ पंजाब को कमजोर करोगे खुद कमजोर हो जाओगे। पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार तगड़ी नहीं हो सकती। नवजोत सिद्धू अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा, आज संस्थाएं गुलाम हैं। 70-75 साल पहले राहुल गांधी, महात्मा गांधी तो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेके राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है, उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, डेमोक्रेसी का एसेंस है, एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये, तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त ने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास कहने को तो ये है,
पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब छोटे बच्चे कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। दे नवजोत सिंह सिद्धू। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम है। वो संस्थाएं आज दो लोगों की सुनती है, चार लोगों की सुनती है, छह लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए। मैं घबराता नहीं हूँ, मौत से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। आज आपको कहता हूँ, ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।